नमस्कार दोस्तों, मालवा का पठार भाग नंबर 2। आज का विषय पूरी चर्चा मानचित्र सहित इस वीडियो के माध्यम से होगी और जो मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत मालवा का पठार। चलते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। तो लीजिए, शुरू हो गया है हमारा मालवा का पठार। इसकी चर्चा बिंदु इस प्रकार है: स्थिति, क्षेत्रफल, निर्माण, जिले, जलवायु, वर्षा, वन, वृक्ष, मिट्टी, फसल, नदियाँ। जी, मालवा का पठार ये मौजूद है, इसकी स्थिति क्या है बता देते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मौजूद है ये। यह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 28% पर फैला हुआ है, विस्तृत है मालवा का पठार। यह देखिए पीले रंग से हमने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप की लावा और बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। जी, ये जो हमने मालवा के पठार पीले रंग से किया है। अगला बिंदु आएगा हमारा जिले के ऊपर में। जिले कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, तो इससे संबंधित जिले हैं मालवा के पठार के: इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। लगभग इतने जिलों में मालवा के पठार का विस्तृत है और ये इनका हिस्सा फैला हुआ है। आगे बात करेंगे हम जलवायु की, तो यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड यहाँ पर पाई जाती है। चूँकि औसत वर्षा यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की बारिश होती है, इससे यहाँ की वन आपको मिलेंगे शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन यहाँ की वन है और जिससे यहाँ पे बबुल, पलाश, तेंदुपत्ता इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर बहुलता से पाए जाते हैं। और यहाँ की मिट्टी होगी काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ काली मिट्टी के दिखता है इस पट्टी पे, तो जिससे सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली इस टाइप की फसलें का पैदावार होती है। ये एक्चुअली प्रमुख है, और भी होती हैं कि ये प्रमुख, बहुलता इनकी मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भी। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो चंबल, छिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही और भी अन्य छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख नदियां हैं जो यहां बहती हैं और इस मालवा के पठार के होते हुए आगे चलती हैं, या इसमें और भी छोटी छोटी नदियां आपको मिलेगी। तो इसकी हम कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं मालवा के पठार की। तो इसमें पहला बिंदु हमारा रहेगा कि मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फैयान ने विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु बताया। कर्क रेखा मालवा के मध्य से भी गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, अन्य चोटी जानावा पहाड़ी, छजारी हैं। चूंकि यह तीनों चोटियां इंदौर के क्षेत्र में इंदौर जिले में फैली हुई हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियाँ मालवा की पटक दारों में सबसे ऊंची चोटी सिगार है। चूंकि एमपी सबसे ऊंची चोटी दूसरी है, मैं आपको अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। सबसे खास बात होती है कि यहाँ पे एक और सेकंड बिंदु हमारा था कि कर्क रेखा मालवा के मध्य से होके गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता जाता है कर्क रेखा, और एक बार ये भी क्वेश्चन बहुत पेपरों में आया है कि सबसे अच्छी जलवायु किसने बताया है, तो चीनी यात्री फैयान। आप इसका नाम ध्यान रखें, चीनी यात्री फैयान, यहाँ की मालवा की जलवायु के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि ये सिस्टम जलवायु मानी जाती है। यह है मालवा के पठार की कुछ खास बातें हैं जिसकी बारे में हमने चर्चा की हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अगली वीडियो हमारी बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाली है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और रियो बनने का पठार। तो जल्दी दोस्तों हमारी आप वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें यह है यूट्यूब चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।